Yes, yes. हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हेलो मैम, हाय मैम, हाय। हेलो एवरीवन, जस्ट ज्वाइन क्विकली, तब तक मैं मेरा हेयर कंप्लीट कर लेती हूँ। कैसी लग रही है आज की हेयर स्टाइल? हाय। So, how's your hairstyle? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Sorry for the delay. थोड़ा सा मुझे हेयर प्रिपेयर करने को टाइम लग गया। इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं बिल्कुल भी डिले नहीं करूंगी। सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको पक्का मिलने वाली है। थक गए होंगे क्यों? ये हेयर करके? नहीं, नो, कितना क्विक हेयर किया है। ब्यूटीफुल, नाइस वर्क मैम, नाइस वर्क, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। हाय, गुड आफ्टरनून, एकदम मस्त। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, नाइस वर्क। आप शाइन स्प्रे यूज कर रहे हो कि होल्डिंग स्प्रे? अभी पहले मैंने शाइन स्प्रे किया है होल्ड करने के लिए, फिर होल्डिंग स्प्रे। मैम, हेयर स्टाइल ऑनलाइन क्लास है क्या? यस यस, 27, 28 and 29 को है हमारा हेयर का मास्टर क्लास ऑनलाइन, और ऑफलाइन है 16 to 21, 16, 17, 18 मेकअप क्लास है। एंड फीस इज 1000 रुपीज? यस, उसकी फीस भी ऐसे ही 1000 रुपीज की है, और नॉलेज उसमें भी थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल वेरिएशन सिखाएंगे। मतलब आप समझ सकते हो, कल मेकअप की थ्योरी दी तो वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है, वैसे ही हेयर की थ्योरी भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। उसमें बहुत कुछ सिखाया जाता है जो हेयर रिलेटेड इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो भी 3 दिन का क्लास होने वाला है। एंड वी आर डन विद अवर हेयर स्टाइल, जस्ट रबर बैंड एंड डन।
अभी हम हमारा करते हैं मेकअप सेशन स्टार्ट। मैम वॉइस लो आ रहा है, इसको हम चेक कर लेते हैं। ब्राइड के लिए हेयर के लिए टाइम नहीं मिलता है तो मैं आपको सिखाऊंगी क्विक फ्रंट वेरिएशन पफ कैसे बनाना है। मैम फाउंडेशन के बाद जो पॉलिशिंग ब्रश का नंबर बताइए। फाउंडेशन के बाद चलो मेकअप सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा मॉडल पे मेकअप करेंगे और थोड़ा ऊपर नीचे ज़ूम चाहिए ना। नहीं वो थोड़ा कम कर, लेस हो गया। Huda Beauty फाउंडेशन नंबर प्लीज। यस मैं नंबर दे दूंगी, डोंट वरी। चलो स्टार्ट करते हैं। सो यू कैन एग्जामिन आपको कैसी लग रही है ब्राइड की, हमारे मॉडल की स्किन कैसी लग रही है। मैंने कुछ नहीं किया है अभी तक इनके फेस पे, तो आप जस्ट चेक करो और आपको क्या समझ में आ रहा है, ऑयली है, ड्राई है। कल जो मैंने थ्योरी समझाई है उसमें से अगर आप एग्जामिन कर सकते हो तो बताइए ये मॉडल की स्किन है ड्राई या ऑयली। मेकअप का नाम क्या है? आज ट्रेडिशनल ब्राइडल लुक है हमारा मेकअप। फाउंडेशन स्पॉन्सी करने के बाद पॉलिशिंग ब्रश से करते हैं वो बताइए। यस मैं बाद में बता दूंगी आपको उसका भी। ऑयली है, यस करेक्ट। कैसे समझ में आया आपको आज की स्किन ऑयली है? बिकॉज इनकी स्किन देखो यहां से शाइन कर रही है, इट मींस द स्किन प्रिपरेशन इज ऑयली। और दूसरा एक रीजन होता है जिनकी भी स्किन ज्यादा ऑयली होती है वहां पे हल्के हल्के अगर बहुत मेकअप कर रहे हैं या पानी कम है तो पिंपल मार्क्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये भी एक एग्जामिन कर सकते हो कि स्किन ऑयली है या ड्राई है। सो लेट्स स्टार्ट। शाइन कर रही है ओपन पोर्स पिंपल्स, यस। मतलब आप समझ गए होंगे आज कौन सा मेकअप है हमारा, टी जोन ऑयली। यस परफेक्ट।
चलो अभी हम पहले स्टार्ट करते हैं विद दी लेंसेस. लेंस पहनाना कैसे है हमारी ब्राइड को, बहुत इजी टेक्निक है. सबसे पहले मैंने लेंस लिया है प्योर हेजल फ्रॉम गाला. अकॉर्डिंग टू आउटफिट आपको ऑलवेज चूज करना है. एंड जस्ट सी, यहाँ पे देखो आप स्ट्रेट सीधा कौन सा है उल्टा. जहां पे सीधा रहेगा मतलब जो पार्ट वो डार्क रहेगा, इनर पार्ट थोड़ा लाइट रहेगा. तो आपको ऐसे दिख रहा है टिप पे लेना है. वेरी इजी टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगी. जस्ट लुक एट दैट साइड. Eyes closed, just rotate and leave. जो साइड में हम डाल रहे उसकी ऑपोजिट साइड आईज ओपन करवानी है. आई पे स्टिक हो उतना लगा के उसको आई लिड पे आपको आई बॉल पे उसको पुश करना. एक बार आई बॉल पे वो लग गया लेंस तो परफेक्टली सेट हो जाएगा. क्लाइंट को आपको पूछना है बर्न हो रहा है या परफेक्टली सेट है. परफेक्टली सेट है तो उनके आई से पानी बिल्कुल नहीं निकलेगा. अगर ये गलती से उल्टा लग गया है या बरोबर लगा नहीं है, थोड़ा सा भी 19-20 से पानी आता रहेगा. अगर यही टाइम पे आपने निकाल के वापस नहीं लगाया तो क्या होगा, उनका पानी मेकअप पे एंड तक आता रहेगा जिससे आपका मेकअप खराब हो सकता है. तो यही बात ध्यान रखनी है कि अगर नहीं प्रॉपरली गया है तो आपको उसको रिमूव वापस से निकाल के लगाना है. फेस शेप मैम ये राउंड है. यस यस नॉर्मलाइज राउंड फेस. यस हाय वॉइस नहीं आ रही है. वॉइस नहीं आ रही है. इज इट माय वॉइस इज नॉट क्लियर. कंपनी और कलर नेम लेंस का. लेंसेस हमारे गाला के हैं प्योर हेजल. यस क्लियर है. प्लीज चेक ऑन योर साइड. वॉइस नहीं आ रही है. जस्ट लेट मी चेक. दिस इज हाउ द लेंस हम पहनते हैं. सो वेरी फर्स्ट स्टेप हम आज सबसे पहला स्टेप अगर इनकी अगर इनकी ऑयली स्किन है, एक्सेस ऑयली है तो हम स्टार्टिंग प्रोसेस से ही ऑयली स्किन का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ PSC पील ऑफ है, ऑरेंज पील ऑफ है, इंस्टेंट स्क्रब फॉर मेकअप बिफोर मेकअप. तो ये आपका ऑयल कंट्रोल करने का काम करेगा, एक्सेस ऑयल बाहर जल्दी से आने नहीं देगा और जो ऑयल है उसको क्लीन करेगा. फेस अगर टैनिंग हो गया है तो टैनिंग रिमूव करने का भी काम करेगा. एटलीस्ट 50% टैनिंग आपका कम करके देगा. दिस इज वेरी वेरी आई मस्ट से अमेजिंग प्रोडक्ट और इकोनॉमिक रेंज में है तो आप ये यूज कर सकते हो. हाउ टू ओपन लेंसेस. ओपन मीन्स जस्ट ओपन इट. यहाँ पे हैंड पे लेना है एज ए स्क्रब ही आपको ये यूज करना है. सॉरी मैम लेट जॉइन इट्स ओके. अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है. हमने लेंस कैसे पहनाना है वही जस्ट सी कैसे इसको मैं कर रही हूँ. दिस इज द मेकअप स्क्रब. आप फेशियल स्क्रब नहीं कर सकते हो ये टाइम पे. स्पेशली दिस इज फॉर मेकअप. और इनकी आईज भी कैसी है वो भी एग्जामिन करो.
सब एग्जामिन करते जाने का, जब हम हेयर स्किन प्रिपेयर करते हैं तो सब कुछ आपका एग्जामिन तब भी हो जाता है। नॉर्मल वाटर एंड ये क्या लगाया है, पील ऑफ, ऑरेंज पील ऑफ, पीएसी का ऑरेंज पील ऑफ लगाया है। नॉर्मल वाटर ले रही हूँ और जस्ट स्प्रे, नॉर्मल ड्राई टिश्यू एंड जस्ट रिमूव। स्किन हेल्दी भी हो जाएगी एंड एक्सेस ऑयल रिमूव भी हो जाएगा। आप देख सकते हो अब इनकी स्किन में कितना चेंजेस है, आपको फील हो रहा है कि चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं। दिस इज स्पेशली फॉर ऑयली स्किन। अब आपको क्या लग रहा है, अभी आप इनकी स्किन कैसी है, नॉर्मल हो चुकी है, 50% नॉर्मल हमने कर दी इनकी स्किन को। पील ऑफ कितनी देर रखना है, रखना नहीं है, मैंने सिर्फ रब किया और निकाल दिया, दैट्स इट। सी नाउ द फेस, इज इट लुकिंग गुड और नॉट। नाउ आई एम यूजिंग क्लीनो वाइप, ये क्लीनो वाइप है जो मैंने कल बताया था पीएच बैलेंस करेगा। अगर सेंसिटिव है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्कोहल फ्री है और मॉइस्चराइज करने का काम करेगा। तो स्किन प्रिपेयर के लिए फर्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरा भी है, सेम उसी कंपनी का एक्सपोल है, एक्सपोलिट है, जो मॉइस्चराइज प्लस क्लीनिंग का काम करेगा। तो हम आज मैं आपको ये भी यूज करके दिखाऊंगी, एक दिन ये और एक दिन वो दिखाऊंगी। दिस इज वेरी गुड। वॉइस नहीं है, वॉइस बहुत कम है मैम, आवाज देख लीजिए साइड से। वन साइड स्क्रब है, वन साइड इसका मॉइस्चर है, तो दोनों का काम करेगा ये। तो हम पहले क्लीनो वाइप्स कहाँ मिलते हैं, हमारे पास मिल जाएंगे या आप ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हो। पहले मैंने इनका स्क्रब सेक्शन किया, अब हम करेंगे इनका मॉइस्चराइजर सेक्शन। सो डन विद द क्लीनिंग पार्ट, नाउ वी आर गोइंग टू टोनिंग पार्ट। अब हम टोन करेंगे इनकी स्किन को विद द हेल्प ऑफ पिक्सी टोनर। टोनर लगाना है, सो एक एक स्टेप में एकदम आराम से दिखा रही हूँ ताकि अगर कोई नोट डाउन भी कर रहे हो तो नोट डाउन भी करते जाना। मैम ये वाला लगाओ ना, हाँ बहुत लो है अभी, बोलो अभी आवाज आ रही है, इसमें चेक करना, इसमें आवाज कम नहीं है। अच्छा उसमें से मोबाइल में आवाज कम नहीं है, नहीं फुल है। Just see the after toning, hydration. अगर टोनर नहीं है तो मैंने क्या बताया था, ये टाइम पे आप जस्ट गोल्ड मिस्ट यूज कर सकते हो। ओके पिक्सी सुटेबल फॉर कॉम्बिनेशन स्किन मैम और नॉट, यस यस डियर,
बट जहाँ पे ड्राइनेस है वहां पे कम करो क्योंकि वो और ड्राइनेस लेके आएगा. सो मेक श्योर. नाउ आई एम यूजिंग क्यूटी ब्यूटी वाटर बेस मॉइस्चराइजर फॉर ऑयली. आप ये ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन तीनों के लिए यूज कर सकते हो. ये टोनर ऑल स्किन पे. यस ऑल स्किन पे जाएगा बट सेंसिटिव स्किन पे नहीं जाएगा बिकॉज बर्न करेगा. सेंसिटिव स्किन पे आपको जस्ट गोल्ड मिस्ट करना है. जस्ट गोल्ड मिस्ट करो या कोई भी और मिस्ट कर सकते हो. मैम आपकी आवाज क्लियर है, शायद उनके मोबाइल में प्रॉब्लम है. वेरी जेंटल मूवमेंट, बहुत जेंटल मूवमेंट आपको ये करना है. स्किन प्रिपरेशन कभी भी स्किप मत करो, बहुत अच्छे से करो. आई मेकअप सिंपल करो, बाकी चीजें आप कम करके या स्पीड में करके कर सकते हो. बट स्किन प्रिपरेशन अगर आपने स्किप किया तो मेकअप पैची हो जाएगा, स्वेटिंग प्रॉब्लम ज्यादा होगी. तो ये सारी चीजें होने का फ्लॉलेस नहीं होगा. ये सारी चीजें स्किन प्रिपरेशन पे ही डिपेंड है. यहाँ पे हमने ये लगाया पीएसी का वाटर बेस यूज कर सकते हो. yes. जगह पे पीएसी वाटर बेस मॉइस्चराइजर आप यूज कर सकते हो. यहाँ पे ये स्टेप पे हमें ये भी यूज कर सकते हो, पीएसी एक्वाब्लास्ट वाटर बेस मॉइस्चराइजर. नाउ वॉइस इज क्लियर. ओके नाउ मूविंग टू नेक्स्ट. मैं आई मेकअप से स्टार्ट करूंगी. आई मेकअप के लिए सबसे मैं आईब्रो डिफाइन करूंगी. आईब्रो डिफाइन के लिए एंगुलर ब्रश ले रही हूँ. सबसे पहले अपलिफ्ट एंड डाउन, अप एंड डाउन. प्रॉपर शेप आपको उसका मिल जाएगा आईब्रो का. और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं पाउडर, पाउडर बेस. मैं नेचुरल के लिए हमेशा ब्राइट, खुद के लिए ऑलवेज एंड ऑलवेज डार्क ब्राउन शेड पाउडर लेती हूँ. डार्क ब्राउन लेना है, इंडियन स्किन पे कभी भी ब्लैक नहीं जाता है. और मैंने बोला था राउंड शेप होना चाहिए. तो यहाँ पे इनका अपलिफ्ट करो एंड द मूवमेंट इज राउंड. प्लीज आपके यहाँ से चेक करिए बाकी उनको वॉइस क्लियर आ रहा है. आप ईयरफोन लगा के बात कीजिए. देखिए मैम लैशेस कैसे लगाइए, वो लैशेस के टाइम आपको बता दिया जाएगा. मैम एवरी स्टेप बताएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट. मैम सेटिंग स्प्रे बार बार कर सकते हो. जहां पे आपको हाइड्रेशन कम लग रहा है स्पेशली फॉर ड्राई स्किन, आप एवरी स्टेप यहाँ पे लगाया, स्किन प्रिपरेशन मेरा खत्म हुआ फिर मैं करूंगी. फाउंडेशन एप्लीकेशन के वक्त भी कर सकते हैं, आफ्टर फाउंडेशन और लिपस्टिक के बीच में अगर वापस लग रहा है तो भी कर सकते हो. एट दी एंड वापस कर सकते हो, जब चाहो तब आप सेटिंग स्प्रे कर सकते हो. पहले मैं डिपॉजिट ही प्रोडक्ट यहाँ पे कर रही हूँ और फिर जितना प्रोडक्ट बचा है उसको हम आगे डिपॉजिट कर रहे हैं. मतलब जितना लाइट आपका आगे होगा नेचुरल दिखेगा. हमारी प्रैक्टिकल ब्राइड जब भी हमारे पास आती है उनको बिल्कुल आर्टिफिशियल लुक की आईब्रो नहीं पसंद आती है. हाँ मॉडल पे वर्क कर रहे हो तो कर सकते हो, बट प्रैक्टिकली जब हम वर्क करेंगे तो आपको पाउडर बेस ही यूज करना होता है. जस्ट सी द आईब्रो. आईब्रो ब्रांड नेम प्लीज. आप कोई भी ले सकते हो, मेरे पास तो एकदम लोकल है, वीओवी का है. आप पीएसी ले सकते हो, जस्ट गोल्ड ले सकते हो, सारे ब्रांड में ये पाउडर बेस अवेलेबल है. सब ब्रांड पीएसी का भी बहुत अच्छा है. ब्रो को क्या लगाया? कुछ नहीं लगाया, मैंने सिर्फ डिफाइन किया है डार्क ब्राउन शेड से. जस्ट सी सेटिंग स्प्रे और फिक्सिंग स्प्रे एक होता है क्या? फिक्सिंग स्प्रे एट दी एंड मेकअप फिक्स करने का काम करेगा, उसको आपको बीच बीच में नहीं लगा सकते. सेटिंग स्प्रे हाइड्रेशन का काम करेगा, आप जब मन करे जब आपको हाइड्रेशन चाहिए. फाउंडेशन थिक है, ब्लेंड नहीं हो रहा है,
कंसीलर हाइलाइटर के लगाया और वो सूख गया, ब्लेंड करते करते टाइम लग गया और वो नहीं स्प्रेड हो रहे, तब भी आप उसको स्प्रेड करने के लिए इजीली स्प्रेड करने के लिए आप कर सकते हो, लगा सकते हो। और मिस्ट अलग होता है क्या? मिस्ट सी दिस इज द जस्ट गोल सेटिंग स्प्रे एंड मिस्ट, दोनों भी है, सेटिंग स्प्रे विद मिस्ट है, फिक्सर नहीं है। दिस इज द फिक्सर, मेकअप फिक्सर, माइक्रो मेकअप फिक्सर, ऑलवेज यूज माइक्रो स्मॉल। ओके आई होप द पॉइंट इज क्लियर। नाउ बेस लगाएंगे, बेस के लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे टार्टे फेयर शेड, एनी कंपनी फेयर शेड बेस आपको लेना है। मोस्ट प्रोबेबली जितना बने उतना लिक्विड फॉर्म यूज करो। अगर आपके पास क्रीमी टेक्सचर है तो वन ड्रॉप ऐसे सॉरी मैजिक ड्रॉप आप डाल के उसको थोड़ा सा पतला कर सकते हो। मैजिक ड्रॉप इन सेंस क्यूटी ब्यूटी का ये मैजिक ड्रॉप है, एज जस्ट फॉर्म ऑफ ऑयल है, तो आप ये डाल के उसको थिन करके एक स्मूथ टेक्सचर क्रिएट करो और फिर एप्लीकेशन करो अगर कंसीलर लगा रहे हो तो। टाटे का लाइट न्यूट्रल 22N। वेट एंड वाइल्ड का कैसा होगा? और लॉरियल क्या मे बी रिफाइनर? मैंने टेस्ट नहीं किया है तो आई डोंट हैव एन आईडिया। इससे क्या होगा अगर थिक कंसीलर आपके बेस पे होगा, आई बेस पे, अगर आईब्रो में हेयर एक्स्ट्रा हेयर है तो वो भी हाइड हो जाएंगे, आपकी आईब्रो भी एक शार्पनेस मिल जाएगी आईब्रो को करने के लिए। मैम आई बेस अलग होता है क्या? नहीं, जो हम हाईलाइट के लिए यूज करते हैं वही है, मैंने कोई अलग नहीं दिया है। सी यहाँ पे चेक करना है आपका ये और ये एग्जैक्ट है, मतलब आईब्रो आपकी परफेक्टली शेप में है। अभी कंसीलर का नंबर 22N है, टाटे का लाइट न्यूट्रल 22N। हम यूज कर सकते हैं क्या कंसीलर की जगह पर ये? यस कंसीलर ब्रश लिया है और इसको हम स्मूथली ऑल ओवर नीचे 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 जहां पे एक्सेस है सब रिमूव करेंगे। नाउ सेकेंड पॉइंट हमारा ब्यूटी ब्लेंडर, ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे। मैं ये ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ एंगुलर और ये पार्ट हम यूज करेंगे, पॉइंट वाला पार्ट यूज नहीं करना है, यहाँ से ऊपर खींचना है। जब भी आप पे वर्क करो आप अपलिफ्ट करो क्रीज निकल जाएगी और इजीली जस्ट सी कुछ एक्सेस रहेगा तो सारा प्रोडक्ट इसमें आ जाएगा। सब स्किन पर मैम यही कंसीलर यूज कर सकते हो? यस डार्क स्किन रहेगी मीडियम शेड यूज कर सकते हो। ऑलवेज यहाँ से ब्लेंड करो, ये आपकी लाइंस विजिबल नहीं होनी चाहिए। सी यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, यहाँ से भी उसको रिमूव किया, ऐसे आपको उसको परफेक्टली ब्लेंडेड रखना है। आई बेस में लिक्विड कंसीलर और क्रीम कंसीलर कौन सा बेस्ट है? लिक्विड आई थिंक बेस्ट होता है, मैं तो पर्सनली लिक्विड ही यूज करती हूँ, बट यस अगर आपके साइडर है ज्यादा आई मेकअप नहीं दिखाना है तो आप डायरेक्टली फाउंडेशन पहले पूरा बेस करके फाउंडेशन को ही ब्यूटी ब्लेंडर से टैप कर दोगे आईज पे तो भी चलेगा। तो इतना ज्यादा बेस अगर आई मेकअप ज्यादा हैवी नहीं है तो नहीं करोगे तो भी चलेगा ना। ब्लेंडर वेट है क्या? यस यस आईज क्लोज रखवाना है जब तक आपकी आई मेकअप नहीं होती, नहीं तो क्रीज आ जाएगी वापस से। ओके तो अभी इनकी आईज छोटी है, बहुत ओपन करके दिख नहीं रही है, काइंड ऑफ हुडेड आईज है, बहुत एकदम हुडेड आईज नहीं है बट
काइंड ऑफ हुडेड आइज है, स्मॉल आइज है, गैपिंग कम है, फेस डायमंड शेप सॉरी हार्ट शेप का फेस है। सो हम इसमें पहले सबसे पहले आपको कैसे इसको डिपॉजिट करना है हुडेड आई मेकअप में, सबसे पहले स्मॉल ब्रश लेंगे, एकदम स्मॉल ब्रश ले रही हूँ बट स्मॉल फ्लफी ब्रश लेना है। नंबर है ब्यूटीलिशियस 315, आप साइज देख लो इसकी साइज क्या है, दिख रही है और रियल ब्रिसल्स है, रियल ब्रिसल्स है। सबसे पहले अभी इन्होंने कपड़े पहने हैं पिंक और सी ग्रीन का कॉम्बिनेशन है और नीचे हमारा हल्का डार्क ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, तो हम कॉम्बिनेशन भी उसी तरह से चूज करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था कल ऑलवेज डार्क और लाइट, डार्क लाइट लाइट ऐसे वर्क कर सकते हो, बट आज हम हुडेड आइज पे वर्क कर रहे हैं तो डार्क और लाइट दो ही कॉम्बिनेशन में वर्क करने वाले हैं। तो डार्कर शेड कौन सा शेड ले सकते हैं, अगर आपको क्लाइंट कलरफुल आइज ना बोल रहे हैं तो आप ब्राउन शेड पे वर्क कर सकते हो, पर्पल शेड पे वर्क कर सकते हो, ब्लू शेड वर्क कर सकते हो, कॉम्बिनेशन आपके हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हो। अगर कलरफुल आई मेकअप चाहिए तो इतना कलर हम इसके आउटफिट में नहीं है तो हम नहीं जा सकते, बट प्रैक्टिकली अगर लेना है येलो येलो पिंक और रेड और पर्पल ऐसे कॉम्बिनेशन में आप वर्क कर सकते हो, बट आज हम नॉर्मल आई मेकअप देखेंगे। सबसे पहले रेड कॉम्बिनेशन एंड पीएसी ब्रश पर्पल कॉम्बिनेशन ले रही हूँ, ये ब्यूटीलिशियस का ब्रश है 315, इट्स अ ब्यूटीलिशियस ब्रश 315। सबसे पहले डिपॉजिट आई खत्म होती है उससे थोड़ा सा आगे, जस्ट अपलिफ्ट एंड डिपॉजिट, should be your C form। अभी ये blue अगर purple shade अगर आपको light लग रहा है इसको dark करना है तो क्या करोगे, इसके ऊपर black deposit करोगे और again इसके ऊपर आपका purple shade होगा, got it? हल्का purple मैंने वापस लिया और सिर्फ यहाँ पे मैंने इसको डिपॉजिट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या किया, अच्छे से पिगमेंट दिख किया है, इसीलिए मैंने वेट जो वाइप था उसमें मैंने सिर्फ इसको डैप किया ताकि हल्का मेरा ब्रश वेट हो जाए और फिर कलर को मैंने उठाया ताकि पिगमेंट जो भी डाले वो अच्छे से प्लेस होके दिख किया है, नहीं तो समटाइम्स क्या होता है कलर उठ के नहीं आते, तो ये प्रॉब्लम नहीं होने के लिए ही हमने ऐसे कलर पिगमेंट को पिक कर दे। अगेन द सेम अगेन अनदर आई, ऑलवेज एंड ऑलवेज इनसाइड से स्टार्ट करके उसको फिर बाहर की साइड में उसको ब्लेंड करो। इन अ सी फॉर्म always always movement right round and see, clearly दिख रहा है आप लोगों को सभी को, ठीक है? अब मैं ब्रश चेंज कर रही हूँ, मेरा बड़ा फ्लफी ब्रश है नंबर PAC 260, बिग साइज फ्लफी ब्रश, हैंड मूवमेंट इतना लंबा। अभी इनके आउटफिट में पिंक शेड है तो हम यहाँ पे लेंगे पिंक, इसको रिमूव करेंगे एक्सेस
एंड, हाथ में पहले टैप करके देखो और यहाँ से आउटर जो बाहर की साइड है उस पे हम ये कलर को डिपॉजिट करेंगे बट इन अ राउंड मोशन। ऑलवेज कभी भी कलर पिगमेंट डालते हो एक कलर से दूसरा कलर तो अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए। सी यहाँ पे कोई कलर यहाँ पे अलग नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं, बीच में जो लाइन है दोनों लाइन एक दूसरे के कलर में अच्छे से मर्ज हो गई है। सो दिस इज हाउ द हुडेड आईज और मेकअप आप कर सकते हो कलर को। सी हाउ इज इट लुकिंग, मैम ब्रशेस कौन से अच्छे होते हैं फॉर फ्रेशर्स? फ्रेशर हो तो भी आप, मैं तो सजेस्ट करूंगी वन टाइम इन्वेस्टमेंट पीएसी ले सकते हो। आप पिंक की जगह पे अगर इतना लाउड शेड में नहीं जाना है तो ब्राउन शेड यूज कर सकते हो और यहाँ पे पिंक का डिपॉजिट कर सकते हो। ऊपर ब्राउन, नीचे पिंक और अंदर अकॉर्डिंग टू क्लोथ्स आप वेरिएशन चेंज कर सकते हो। नाइस मैम, प्राइस क्या है? पीएसी 14 सीरीज की प्राइस रहती है अराउंड 5000। ब्रश नंबर मैम? दिस इज पीएसी 260। इट्स अ पीएसी 260 फ्लफी ब्रश। आई शेड पैलेट कौन सी है? दिस इज द कार्निवल 3। बी परफेक्ट का कार्निवल 3 पैलेट है। यहाँ पे एक अच्छी एक टेक्निक, एक अच्छी टेक्निक अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्टली कलर पिगमेंट उठा सकते हो, प्लेस कर सकते हो लाइक एनी ग्लिटर शेड। यहाँ पे मेरे पास ये ग्लिटर है, पिंक का ग्लिटर है, वेनिला शेड है, एनी शेड जो आपके इसके कॉम्बिनेशन के साथ में गोल्डन नहीं जाएगा बिकॉज ये ज्यादा सिल्वर बेस पे है, तो ये पिंक शेड, एनी शेड यू कैन क्रिएट एंड डायरेक्टली उसको यहाँ पे ऐसे एप्लीकेशन करके आप ग्लिटर ग्लू लगा सकते हो। इट्स अ 2 मिनट वर्क, क्विक वर्क कर सकते हो। नेम मेंशन कर दो और मैं यहाँ पे आज आपको दिखा रही हूँ क्या ओके मैं भेज दूंगी आपके सारे फोटोज एंड ऑल। यहाँ पे मैं व्हाइट जेल लाइनर ले रही हूँ, सी व्हाइट जेल लाइनर, सी इसको हम व्हाइट जेल लाइनर ले रही हूँ एंड अभी ये मेरा थिक हो गया है तो हम इसको स्मूथ टेक्सचर क्रिएट करने के लिए इसमें क्या में हम डालेंगे वन ड्रॉप इसमें हम डालेंगे, ये इनग्लॉट का ड्यूरालाइन है हम वो डालेंगे इसको स्मूथ टेक्सचर क्रिएट करने के लिए। मैंने दिया 1 ड्रॉप, अगेन इसको मिक्स करेंगे एकदम स्मूथ टेक्सचर हो जाएगा। दिस इज हाउ द जेल लाइनर वर्क। सी एकदम स्मूथ हो गया, अब आप इसका एप्लीकेशन करो। यहाँ पे मैं जो कल मैंने दिखाया था कंसीलर ब्रश, हम वही ब्रश लेंगे। जैसे मैंने इसको क्लीन किया वाइप से, दिस इज द ब्रश, अब यही ब्रश से हम एप्लीकेशन करेंगे। फाउंडेशन ड्राई के लिए क्या ऐड करेंगे? अभी आप फाउंडेशन का क्वेश्चन मत पूछो, यहाँ पे हम जो कर रहे हैं उसका। सी कितना
स्मूथली लग गया। व्हाइट बेस लगाने का एक फायदा ये होता है कि आपका जो कलर है बहुत अच्छे से एनहांस होगा, बेस व्हाइट होने की वजह से कलर बहुत अच्छे से उठ के दिख के आएगा। वही यही इसकी जगह पे आप कंसीलर भी एप्लीकेशन कर सकते हो, कट बेस भी कर सकते हो, इट्स ऑल अबाउट योर आई मेकअप। विच आई शेडो पैलेट इज गुड फॉर ब्राइड? कार्निवल 3 आई सजेस्ट। Especially for hooded eyes, आप ऐसे ये टेक्निक के साथ वर्क कर सकते हो। और ऑलवेज जब भी आप एक आईज में करते हो आपको ब्रश क्लीन करना पड़ेगा, बिकॉज समटाइम्स कलर आ जाता है तो व्हाइट में वो मिक्स हो जाता है, तो उसका ध्यान रखें। व्हाइट जेल लाइनर यूज करने के लिए बहुत ध्यान रखना होता है। कार्निवल पैलेट की प्राइस अराउंड 4000 है। जेल लाइनर कौन सी कंपनी? ये रिचा दवे का है जेल लाइनर, R&D ब्रांड का है। शॉपरेल में व्हाइट कलर यूज कर सकते? यस कर सकते हो, उसमें भी है व्हाइट। यस यू कैन सी। अभी हमारा कलर डिपॉजिट का काम होगा। अब इस पे आपको टैप करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत ड्राई है, क्विक ड्राई हो जाता है। ये कट क्रीज बहुत इजी टेक्निक है। इससे आप ये आप टेक्निक यूज करके, अगर जिसको परफेक्टली शेप नहीं क्रिएट करने आता है, हुडेड आईज पे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। सो नाउ द डिपॉजिटिंग टाइम। तो हम पहले मैं यूज करूंगी मेरी पैलेट, PSA की पैलेट है, बहुत शिमर शेड है सब। यहाँ पे ये शेड से हम वर्क करना स्टार्ट करेंगे। इट्स वेरी वाइट पिगमेंटेड, PSA के प्रोडक्ट के बहुत अच्छे है। फ्लैट ब्रश लेंगे, डायरेक्टली डिपॉजिट नहीं करेंगे। फ्लैट मेरा आई मेकअप का फ्लैट ब्रश है। हम जस्ट होल्ड मिस्ट लेंगे, जस्ट होल्ड मिस्ट में हम स्प्रे, दिख रहा है देख लो। प्रिटी ऑल सेट आई शेडो पैलेट कैसी है? नो आईडिया, यहां से मैंने ये लिया। अच्छे से पिगमेंट आपके आएंगे और दिख के आएगा, एंड मोमेंट तक वो पिगमेंट आपके ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। कंसीलर ब्रश नंबर इज 11 नंबर, PSA का 11। पैलेट नंबर PSA का नंबर है क्या? नंबर नहीं है इस पे, ये एक ही शिमर पैलेट बोलोगे तो आपको मिल जाएगा। बट अभी ये दोनों के बीच में एक लाइन विजिबल है, तो हमको वो लाइन निकालनी है। कभी भी ऐसे लाइन दिखनी नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक स्मॉल साइज का ब्रश लेंगे, जो जिसका ब्रिसल्स एकदम ओपन नहीं है, टाइट है। सबसे पहले जब आप ब्रश यूज करते हो चेक उसमें कोई प्रोडक्ट तो नहीं है ना, नहीं तो क्या होगा, एक कलर ऑलरेडी रहेगा, दूसरा कलर पिक करेंगे, सब कलर एक साथ मर्ज होके लग जाएगा। तो ये मैंने पहले ड्राई टिश्यू से वेट क्लीन किया। अभी कॉम्बिनेशन क्या लेंगे, ऑलरेडी पिंक का कॉम्बिनेशन है तो पिंक ले सकते हो, या ग्रीन का शेड भी करोगे तो भी चलेगा, बट ग्रीन थोड़ा सा उठ के आएगा। तो हम सिर्फ
यहाँ पे इसको ब्लेंड कर रहे हैं, स्ट्रेट zigzag मूवमेंट। मैम पीएसी के पैलेट का प्राइस कितना है? ये अराउंड आई थिंक 3000 की है। ओके 3000 अराउंड। व्हाइट फाउंडेशन मेकअप स्टूडियो का लगा सकते हैं? फाउंडेशन आई कंसीलर लगा सकते हो कोई भी। How the hooded eye makeup. Again मैंने वो purple वाला brush लिया and just clear कर रही हूँ। Now we are applying liner. अगर easy technique भी मैंने इसमें दिखाई आपको कि easy है, अगर आपको क्विक वर्क करना है तो आप व्हाइट जेल लाइनर को कैंसिल कर दो, डायरेक्टली जो मैंने कलर एप्लीकेशन किया वो डायरेक्टली कर दो, और उसके आप ऊपर आप ग्लिटर भी लगा सकते हो या न्यूड में भी वर्क कर सकते हो, कलर चेंजेस भी कर सकते हो। जहां पे पिंक लिया वहां पे आप ब्राउन ले सकते हो, जहां पे पर्पल शेड लिया वहां पे पिंक का कॉम्बिनेशन कर सकते हो, और आगे आपकी चॉइस गोल्डन सिल्वर एनी शेड आप क्रिएट कर सकते हो। सो अब हम मूव करेंगे। टूवर्ड्स जेल लाइनर। मैं यहाँ पे जेल लाइनर यूज कर रही हूँ, इनग्लॉट का जेल लाइनर है मेरे पास। सेम प्रोसीजर होती है, जेल लाइनर को भी आपको एक स्पेक्यूला में लेना है। यहाँ पे मैंने लिया, वी आर यूजिंग इनग्लॉट का जेल लाइनर। सेम वे इसमें भी आपको थोड़ा सा वन ड्रॉप, मैं यहाँ पे भी वन ड्रॉप ऐड कर रही हूँ एंड जस्ट वन ड्रॉप ऑफ ड्यूरालाइन एडेड। उसको अच्छे से स्मूथली उसको ब्लेंड करना है। जस्ट सी एंड देन ये अच्छा है, जेड ब्लैक है। आपको कभी भी लाइनर लगाते हो ये और ये अच्छे से इसको पुश करके रखो या यहाँ से ऐसे लो ताकि क्रीज निकल जाए। हुडेड आईज है तो ध्यान रखना है कि लाइनर बड़ी नहीं होनी चाहिए। साउंड नहीं है मैम, प्लीज चेक इट। मैम क्रायलॉन का वाइट बेस और डाइल्यूट तो यूज कर सकते हैं? सी पहले लाइनर देख लो फिर क्वेश्चन के आंसर देखो। सी यहां से मैंने यहां तक लिया, नेचुरल ट्रेडिशनल है तो हम इसको थोड़ा सा आउट करेंगे। इट्स अ पीएसी लाइनर ब्रश एंड इसको हम यहां से जॉइन कर देंगे। यू सी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना है बिकॉज आईज छोटी है, हम वर्क कर रहे हैं हुडेड आईज पे, बट ट्रेडिशनल है हमें आईज अच्छे से डिफाइन करनी है, बड़ी दिखानी है, ऐसे बड़ी दिखानी है तो हम बाहर ले सकते हैं। जिनकी आईज ऑलरेडी बड़ी है तो आप उन पे बाहर मत लो।
ईयरफोन लगा के वॉइस क्लियर आ रहा है, सो प्लीज आप सब भी ईयरफोन्स लगा लीजिए. द लाइनर, इज इट लुकिंग नाइस? मजा आ रहा है आज की? नहीं आ रहा है, सो गए हो लगता है. सेंड मी थम्स अप अगर आपको एंजॉय कर रहे हो, मजा आ रहा है. यस मैम, यस मजा आ रहा है. कभी भी लाइनर मैंने देखा आपने, मैंने कहां से स्टार्ट किया? एट द मिडल पॉइंट. ऑलवेज एंड ऑलवेज मिडल पॉइंट से स्टार्ट करो, आई को ऊपर लिफ्ट करो. पीसी सीरीज में लाइनर ब्रश होता है मैम, लाइनर ब्रश नंबर? यस है, ब्रश नंबर, ब्रश नंबर है इसका पीएसी सीरीज में 13 नंबर का ब्रश है. 13 नंबर ब्रश. अगेन सेम टेक्निक, यहां से हम यस 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 पहले लाइन आउट करेंगे थम्स अप और फिर यहां से इसको जॉइन करेंगे. कैन यू सी, दिख रहा है ये लाइन बनी हुई? दिख रही है आपको? थोड़ा सा टर्न हो, थोड़ा. तुरंत ही तुरंत कभी भी मॉडल को आईज ओपन नहीं करवानी है, एटलीस्ट वेट करो. लाइनर बहुत टफ लगता है, आप ये टेक्निक यूज करना, नहीं लगेगा. हाउ द लाइनर, अगर इसमें आपको ग्लिटर लगाना है इट्स ऑप्शनल, नहीं लगाना है तो भी ऑप्शनल है. हम एंड में देखेंगे ग्लिटर एप्लीकेशन चाहिए कि नहीं, तो उस हिसाब से हम लुक करेंगे. यहाँ पे मेरा आई मेकअप कंप्लीट हुआ, अब हम मूव ऑन करेंगे बेस के साथ में. बेस के लिए सबसे पहला काम क्या होगा? आई मेकअप भी दिख के आ रहा है, आईज ओपन में भी और बंद में भी दिखेगा. जस्ट लुक एट दिस नाउ. अभी इनके पोर्स भी है, ऑयली स्किन भी है, तो हमें क्या यूज करना चाहिए? चलो कमेंट में बताओ क्या यूज करना चाहिए. एक क्वेश्चन है, मुझे विंग लाइनर में प्रॉब्लम होती है, इजी टेक्निक सिखाओगे मैम? यस, मैं सिखा दूंगी आपको विंग लाइनर की इजी टेक्निक. ये हमारी आईज अभी छोटी थी ना, तो मैं यहाँ पे विंग लाइनर यूज नहीं कर सकती थी. बड़ी आईज पे ऑलवेज आपको विंग लाइनर यूज करनी है, और किस तरह से करनी है वो मैं बता दूंगी आपको, डोंट वरी. आया क्वेश्चन पे आंसर आए? चलो मैं बता देती हूँ. यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ क्यूटी ब्यूटी मैटिफाइन प्लस पोर प्राइमर, 2-in-1 का काम करेगा, तो हम ये एप्लीकेशन करेंगे. कभी भी प्राइमर को हाथ में लेना है, एंड सबसे ज्यादा टी जोन एरिया, बट जहां पे पोर प्रॉब्लम है वहां पे भी आपको इसका एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ हैंड फिंगर मूवमेंट. रब मत करो, कभी भी प्रोडक्ट को रब मत करो एक्सेस. नॉर्मल माउथ एरिया, प्राइमर, यस आंसर तो भी आ रहे हैं.
कैसे आप मेकअप करते हैं या ड्राइंग करते हो, तो आप पहले कैनवास आपको कैसा चाहिए ड्राइंग करने के लिए? एकदम प्लेन सरफेस चाहिए, तो आपका ब्लेंडिंग इजीली सॉफ्टली हो। मैटिफाइंग प्राइमर, पोर प्राइमर प्लस मैटिफाइंग। सिर्फ मैटिफाइंग है तो आपको जहाँ पे पोर प्रॉब्लम है वहां पे आपको पोर प्राइमर भी एप्लीकेशन करना पड़ेगा। जैसे आपके पास ऑप्शन है टू इन वन है तो टू इन वन लगाओ, एक साथ करो, और अगर आपके पास एक साथ का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप अलग अलग भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया। अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, करेक्शन। अभी इनकी स्किन आप देखी रहेगी तो कितना करेक्शन रिक्वायर्ड है, मिनिमम। बहुत ज्यादा डार्क सर्कल प्रॉब्लम नहीं है, पिंपल प्रॉब्लम है, पोर प्रॉब्लम्स है, तो हम उसको कवर करेंगे अच्छे से। तो मैंने कल सिखाया था, या तो आप इनके शेड से, टू टोन शेड से भी कर सकते हो, जब आपको आपकी क्लाइंट को ज्यादा अंडर आई प्रॉब्लम नहीं है तो, या आप दूसरा ऑप्शन कर सकते हो ऑरेंज के साथ इनके शेड का टू टोन डार्कर यूज कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा है तो एक डार्क कंसीलर से भी कर सकते हो, बट हम अब यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ इनके शेड, मतलब ये इनका ऑलरेडी शेड है तो मैं यहाँ पे ये शेड यूज कर रही हूँ। आपको इसमें अगर ऑरेंज मिक्स करना है तो भी कर सकते हो, हल्का सा ऑरेंज शेड मैंने इनकी आईज पे यूज किया है। ओके, मैं क्या कर रही हूँ, ऑरेंज प्लस दिस दोनों साथ में लेके एप्लीकेशन। ब्रश नंबर, दिस इज दी पीएसी सीरीज नंबर 6, शॉपर का कंसीलर पैलेट एंड पीएसी इज नंबर 6। जितना डिस्कलरेशन है सब कुछ कवर करो। आईज पर जो आपने व्हाइट लगाया था उसकी जगह पे व्हाइट मेकअप स्टूडियो का ले सकते हैं, ले सकते हो गया हमारा करेक्शन पार्ट। नाउ ये करेक्शन होने के बाद इसको हम, मैंने दूसरा ब्यूटी ब्लेंडर लिया है जो थोड़ा सा हार्ड है, हम इसको सिर्फ और सिर्फ टैप करेंगे। इनग्लॉट भी ले सकते हैं, यस ले सकते हो। क्यूटी ब्यूटी का भी व्हाइट जेल लाइनर आ गया है, शॉप आयरन में भी है, एवरी ब्रांड में व्हाइट जेल लाइनर अवेलेबल है, अकॉर्डिंग टू योर बजट आप चूज कर सकते। मैक का सी सीलर प्लेट, मैक का प्लेट भी ले सकते हो। ब्रश, मैक का ब्रश नहीं 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 ब्रश नंबर फिर नाउ द फाउंडेशन मिक्सिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ फाउंडेशन मिक्सिंग। Blender is dry? No, it's always wet. So, अभी हम इनका स्किन टोन पहचाना है, मीडियम टू फेयर टोन पे है, तो अभी हम क्रिएट करेंगे। ऑलवेज मेरे पास सिर्फ दो शेड होते हैं, एक डार्क है और एक फेयर है, तो मेरे को इसका इनका शेड करना है। अभी ये फेयर पे ज्यादा है, डार्क पे कम है, तो आपको प्रपोर्शन कैसे लेना है, फेयर का प्रपोर्शन 3/4 और डार्क का प्रोपोर्शन 1/4, अंडरस्टूड?
फेयर ज्यादा है, फेयर प्रोपोर्शन ज्यादा रखिए, डार्क प्रोपोर्शन को कम रखो। यही अगर क्लाइंट मेरी ब्लैक होती, मतलब मीडियम ब्लैक से ज्यादा डार्क होती, तो मैं डार्क 3/4 रखती और ये 1/4। वो कैसे लेना है मैं बताती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है फॉरएवर 52, नंबर है FLF 03, डार्क शेड है। अभी डार्क शेड का मैंने नंबर प्रोपोर्शन बताया था, सिर्फ 1, ओनली 1 ड्रॉप। एंड द नेक्स्ट इज माय PLF 03, फेयर की सीरीज है, मीडियम फेयर की सीरीज है। ये प्रोपोर्शन आपको 3/4 पे जाना है। हेलो लाइनर से आईब्रो डिफाइन कर सकते हैं, जेल आईब्रो डिफाइन आता है। सी फेयर का प्रोपोर्शन मैंने ज्यादा लिया, डार्क का प्रोपोर्शन मैंने कम रखा है। और ये कैसा है फाउंडेशन, इट्स अ थिक बेस्ड फाउंडेशन, तो ये ब्लेंडिंग के लिए इजीली ब्लेंड नहीं हो पाएगा। हमें क्या करना है इसमें, या आपके पास कोई एसेंशियल ऑयल है तो आप एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हो, तो ये नॉर्मल ब्लेंडिंग का काम करेगा। अगर आपके पास क्यूटी ब्यूटी मैजिक ड्रॉप है तो एज अ वाटर बेस्ड मेकअप करने का काम करेगा, एज अ प्राइमर काम करेगा, एज अ फाउंडेशन को स्मूथ रखने का काम करेगा। तो मतलब ये ऑल इन वन काम करेगा। वाटर रेसिस लॉन्ग लास्टिंग मेकअप के लिए हम यही यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ, दिस इज दी क्यूटी ब्यूटी मैजिक ड्रॉप। हम इसमें ऐड कर देंगे 1 ड्रॉप हम ऐड करेंगे, दैट्स इट। एज अ प्राइमर भी आप ऑयली स्किन पे आप ये यूज कर सकते हो। अगेन कंसीलर पैलेट मैक का अच्छा, यहाँ पे हम ये प्रोपोर्शन मिक्स करेंगे। मैक का अच्छा है, मैंने कल सारे अच्छे अच्छे ब्रांड के लिस्ट दे दी थी, आप वो ले सकते हो। मैं कभी भी क्लाइंट के फेस को फाउंडेशन से फेयर नहीं करती हूँ, ओरिजिनल शेड क्रिएट करने का ही है हमें, क्योंकि हम ब्राइड को हाईलाइट करते हैं। सी यहाँ पे मेरा एक शेड क्रिएट है, वी आर जस्ट चेकिंग, यहाँ पे लगाना है एंड इसको हैंड मूवमेंट से ब्लेंड करना है। ड्रॉप से शाइन भी आएगी मैम? सी ये नहीं, शाइन नहीं है ये, सी एकदम प्रॉपर जो इनका स्किन टोन है एग्जैक्ट शेड मिला है। हमने फॉरएवर 52 के फाउंडेशन यूज किए हैं, FLF 03 एंड PLF 02। फाउंडेशन में गोल्ड जेल मिक्स कर सकते हैं। गोल्ड जेल कौन सा है आपके पास, पहले वो बताओ तो मैं बताऊंगी। आप प्रोवाइड कर सकते हैं मैम मैजिक ड्रॉप्स? यस कर सकते हैं, यस मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए। मैजिक ड्रॉप प्राइस 1500। मैम सुप्रा डर्मा का पैलेट नहीं यूज करोगी क्या? मैं स्पेशली फॉर ब्राइड नहीं यूज करती हूँ, बट आप मैंने जो शॉपलर का पैलेट यूज किया इसके जगह पे आप यूज कर सकते हो। मैम ऑयल भी यूज करते हैं आपको पूरा नेक एरिया अच्छे से कवर करना है, दोनों का डिस्कलरेशन बिल्कुल भी नहीं दिखने आना चाहिए। फाउंडेशन से पहले ऑयल भी यूज कर सकते हैं? यस कर सकते हो। मैजिक ड्रॉप्स प्राइस इट्स 1500 1500 रुपीस। मैजिक ड्रॉप्स कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे जो मेरे पास फाउंडेशन का है पार्ट वो मैं इसमें ले ले रही हूँ, और हम पहले नेक एरिया कवर करेंगे। आपको कभी भी कलर नेक एरिया से ऊपर लेके जाना है।
फाउंडेशन का साइड नंबर क्या है. जस्ट सी द एंगल, आई एम यूजिंग दिस एंगल. अगर आपका ये ड्राई हो गया है, ऐसा फील हो रहा है कि ब्लेंड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे भी आप जस्ट कोल्ड मिस्ट स्प्रे करके उसके बाद आप ब्लेंड कर सकते हो इजी ब्लेंडिंग के लिए. फाउंडेशन के नंबर है FLF03 एंड PLF02 फॉर योर 52 के फाउंडेशन. लव अर्थ ऑयल यूज कर सकते हैं क्या? यस. सी कितना सॉफ्ट स्मूथ वन साइड लग रहा है. इट्स अ मैजिक ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर एंड योर हैंड मूवमेंट. ऑलवेज यूज दिस पार्ट. एग्जैक्टली सेम शेड यू हैव क्रिएटेड. सो दिस इज द प्रपोर्शन, एग्जैक्ट प्रपोर्शन आप ऐसे ही सिलेक्ट करो. सीखो कि ब्राइट मीडियम है, फेयर है, अकॉर्डिंग टू दैट ओनली आपको उसमें प्रपोर्शन ऐड करना है नोज का साइड पार्ट. अभी यहाँ पे बहुत लोग ऐसे ऐसे करते, ये एंगल यूज करो, यहाँ पे ये एंगल यूज किया मैंने. ब्यूटी ब्लेंडर इज फ्रॉम PAC, PAC का ब्यूटी ब्लेंडर है. मैक फाउंडेशन यूज कर सकते हैं? यस कर सकते हैं. एनी फाउंडेशन, कोई भी फाउंडेशन में मिक्सिंग ऐसे ही रेशियो होता है, बट पॉलीमर 52 थोड़ा थिक है तो आपको उसमें एड ऑन करना पड़ता है. इसके जगह पे आप मैक यूज करोगे, PAC यूज करोगे, तो उसमें आपको कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज ये ऑलरेडी उसमें ऑयल होता है और वो स्मूथ पतला थिन होता है. मैजिक ड्रॉप प्राइस इज 1500 रुपीज. वन शेड लाइटर ले सकते हैं, ले सकते हो, बट मत लो, हम करेंगे वो आपको. अगर जो फेयर करने का है ना क्लाइंट को, वो क्लाइंट को फेयर हम टेक्निक यूज करके करेंगे. कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? हाईलाइट एंड कॉन्टोर की टेक्निक को यूज करेंगे. अब मैं यहाँ पे इनके फेस के अकॉर्डिंग, मेरे पास 2 शेड है, मीडियम है, फेयर है. नेचुरल रखना है तो आप मीडियम यूज कर सकते हो, हल्का उनको फेयर करना है यही टाइम पे आप उनको फेयर कर सकते हो. मीडियम में फेयर 1-1 ड्रॉप दोनों ऐड कर दो. पहले मैं आपको एक साइड सिर्फ मीडियम दिखाती हूँ, और ये बहुत क्रीमी है तो आपको इसका सिर्फ इतना पोर्शन बस हो जाएगा. सी लिफ्ट हो गया, 1 साइज अप. नोज एरिया डाउन टू अप लो, ताकि आपकी लाइन स्ट्रेट है. स्ट्रेट लोगे तो ऑलवेज टेढ़ी मेढ़ी लाइन आएगी, नोज टेढ़ा हो जाएगा. तो ये पॉइंट याद रखना. पहले हम एक साइड ब्लेंड करके रखते हैं, फिर देखते हैं. अगर और फेयर करना है तो भी हम कर सकते हैं. हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन अच्छा होता है. यस, हुडा भी थिक है तो आपको उसमें भी 1 ड्रॉप एसेंशियल ऑयल या तो फिर मैजिक ड्रॉप आप ऐड कर सकते हो. सी यहाँ पे जो लाइन विजिबल होती है, आपको ये पूरा एंगल से ऐसे इसको टैप करके पैच नहीं दिखाना है. सी लिफ्ट हुआ, जो शेड था यहाँ पे आप शेड देख सकते हो और यहाँ पे शेड देख सकते हो. इट्स डिफरेंट, शेड ऑटोमेटिकली लिफ्ट हुआ. यहाँ पे जब भी आप करते हो ये लाइन को ऊपर तक खींच के जाओ टुवर्ड्स ईयर पार्ट. यहाँ से भी ऊपर लिफ्ट करो टुवर्ड्स ईयर पार्ट. पहले मैंने यहां से किया, फिर एरिया को ब्लेंड करने के लिए पूरा एरिया एक साथ कवर किया. गुड हाइलाइटर का यूज कर लीजिए. ये पहले क्वेश्चन था, जस्ट यूज करने के बाद. प्राइस क्या है ब्लेंडर का? 740. वेरी इकोनॉमी और बेस्ट है. सी पहले मैंने यहाँ पे ऐसे 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 ये एंगल यूज किया, बट जहां पे मुझे ये लाइन विजिबल है तो मुझे ये पूरा सेक्शन
ऐसे टैप करना है ताकि लाइन निकल जाए, तो बहुत टाइम यहाँ पे पैची लुक दिख के आता है। तो ये नहीं दिखने का एक और रीजन, ब्लेंडिंग प्रॉपर एंगल यूज करो, नंबर ऑफ मीडियम शेड 35N इज अ नंबर ऑफ मीडियम शेड, इट्स लुकिंग गुड। कि आपको लगता है इसको और फेयर करना चाहिए, हो गया हमारा लिफ्ट भी हो गया और जो मेरा फाउंडेशन शेड था वो भी जरूरी नहीं हुआ मुझे और ज्यादा फेयर करने। अगर मैंने वहां पे फाउंडेशन ऑलरेडी फेयर रखा होता तो जो पार्ट मुझे एनहांस करने थे वो नहीं हो पाते थे, क्योंकि दोनों का शेड एक है, पूरा फेस उनका एनहांस होके काम बढ़ जाता, उसको कट करना पड़ता हमें। तो कभी भी फाउंडेशन उनके स्किन टोन का ही रखो और हाईलाइट वन शेड फेयर लो। अभी क्या अप्लाई किया मैंने, टार्टे मीडियम शेड रखा है यहाँ पे, अप्लाई किया कंसीलर, लिक्विड कंसीलर। अब इनका फेस आप देख सकते हो हार्ट शेप है, इसमें आपको कॉन्टोर बताओ कहाँ कहाँ पे रिक्वायर्ड है। सबसे फर्स्ट पार्ट आपका कॉन्टोर का क्या होगा, यहाँ पे ये पार्ट भी एक्स्ट्रा है, यू कैन सी यहाँ पे, अभी समझ में आ रहा है फॉरहेड पार्ट। तो फॉरहेड पार्ट अगर मैंने यहाँ पे मांग टीका रख दिया तो बहुत जरूरी नहीं है, इतना ही सेक्शन है तो वहां पे तो हमारा मांग टीका वैसे भी आने वाला है, तो सिर्फ ये एंड ये सेक्शन। तो मैं आपको ये भी करके दिखा रही हूँ कि कैसे करना है। वन टू टोन डार्कर शेड से हम करेंगे, यहाँ पे मैं शॉपर की पैलेट यूज कर रही हूँ एंड कैसे इसको ब्लेंड करना है वो भी देखो। सी यहाँ पे ईयर सेक्शन है, ईयर सेक्शन से ऊपर के सेक्शन से ऑलवेज एंड ऑलवेज योर मिडल ऑफ द आईबॉल, अब यहाँ पे ये जो पार्ट है ईयर सेक्शन से लेके यहां तक। कंसीलर नंबर इज लाइट न्यूट्रल का 22N एंड फॉर मीडियम इट्स अ 35N। कल का जो भी थियोरी सिखाया अभी आपको वो थियोरी आज प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूँ। सुप्रडर्मा प्रोडक्ट पे मेकअप दिखा सकते हैं क्या, क्वेश्चन। प्लम ब्लेंडर इज गुड, यस मैम वीडियो सेव आहे का, यस वीडियो सेव राहील। नोज पार्ट यहाँ से आईब्रो लेवल से स्ट्रेट, स्ट्रेट यहाँ से आईब्रो लेवल से स्ट्रेट। कॉन्टोर ब्यूटी ब्लेंडर दूसरा है जो फाउंडेशन वाला है वो लग ही लेना है। सो हाउ यू विल डू, सो जस्ट डैब मोशन और आपको इसको शेडो इफेक्ट में कन्वर्ट करना है इन योर शेडो इफेक्ट, जस्ट डाउनवर्ड। टाटे नंबर फॉर लाइट शेड इज 22N एंड फॉर मीडियम शेड इज 35N। एक भी लाइन आपकी विजिबल नहीं होनी चाहिए, सारा का सारा शेडो इफेक्ट क्रिएट होगा तो ही उनका फेस कट होगा। फेस मैम इसके फेस पे दोनों यूज किए थे या कंसीलर दोनों हाईलाइट मीडियम यूज किया, 35N भी यूज किया, 35N ना, यस 35N। शेडो क्रिएट हो गया यहाँ पे, अभी भी ये मेरी लाइन सब विजिबल है, यहाँ पे भी देखो पूरा का पूरा शेडो क्रिएट हुआ है, यहाँ पे अभी भी लाइन विजिबल है। तो आपको अच्छे से ब्लेंड करना है, ये सेक्शन मैंने यूज किया है फॉर ब्लेंडिंग। ऑलवेज एंड ऑलवेज डाउनवर्ड मोशन, यहाँ पे भी आपका वेरी नाइस ब्लेंडिंग। बस यही टेक्निक आप भी अभी यूज करना सीख जाओ। जितना एक्सेस लग रहा है आपको स्पेशली फॉर दिस पार्ट आपको अच्छे से उनको कॉन्टोर देना है। नोज एरिया ऑलवेज स्ट्रेट एंड ऐसे 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 ऐसे
सी वन साइड अभी हमने सब क्रीमी प्रोडक्ट यूज किए हैं, तो अभी हमारा क्या काम रहेगा कि क्रीमी प्रोडक्ट को लॉक करने का। सबसे पहले मैंने हाईलाइट किया, पहले मैं हाईलाइट को लॉक करूंगी, फिर मैंने कॉन्टोर किया तो मैंने कॉन्टोर को लॉक करना है। हाईलाइट पाउडर आपका अलग होगा, कॉन्टोर शेड आपका अलग होगा। कॉन्टोर शेड आपका डार्क शेड होगा, हाईलाइट शेड आपका इनके शेड का बनाना शेड, या मैं यूज कर रही हूँ लॉरा मर्सी ट्रांसपेरेंट पाउडर, तो आप ये भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने यूज किया। अभी इनकी स्किन कैसी है? ऑयली है, तो हमें अकॉर्डिंग टू ऑयली स्किन क्या बताया था, लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए एक्सेस लगाओ और उसको रहने दो। नोज पर ऊपर से नीचे जहां जहां पे मैंने हाईलाइट किया है एवरी पार्ट मुझे पाउडर से लॉक करना है, नहीं तो क्या होगा वहां पे मेकअप निकल जाएगा। वेरी नाइस लूज पाउडर मैम। कोई भी एरिया छोड़ना नहीं है, अच्छे से लॉकिंग करो। यहाँ पे आप कॉम्पैक्ट यूज नहीं कर सकते हो, लूज पाउडर ही आपका मेकअप को लॉन्ग लास्ट करेगा। कंटूर के बाद लाइन दिखती है तो क्या करें? प्रॉपरली ब्लेंड करो यार। अब हमारा नेक्स्ट काम होगा कॉन्टोर एरिया को लॉक करना। यहाँ पे ये प्रोडक्ट मैं रहने दूंगी, एक्सेस जहां पे भी है वो हम रहने देंगे। नेक्स्ट स्टेप कॉन्टोर, कॉन्टोर ब्रश लिया है स्लांटिंग एंड दिस इज द जस्ट गोल्ड कॉन्टोर प्लस ब्लश पैलेट, लाइटर शेड एंड डार्क शेड मिक्स करेंगे और रिमूव करेंगे एक्सेस प्रोडक्ट। जस्ट सी ऊपर से नीचे मूवमेंट बोला था मैंने, पाउडर लॉकिंग अपर। अगर ये राउंड है तो मैं यहां से इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकती हूँ। लॉरा मर्सी का है मैम? यस लॉरा मर्सी का है रूज पाउडर। जहां पे अभी हमने क्रीम कॉन्टोर किया था वहां पे हम लॉक करेंगे। डू यू सप्लाई दिस पाउडर एंड हाउ मच? यस अराउंड 4000। वेरी नाइस लूज पाउडर मैम। ओके यस वेरी नाइस ट्रांसपेरेंट शेड है, तो आप किसी भी क्लाइंट पे यूज कर सकते हो। क्राइलॉन के पाउडर यूज कर सकते हैं क्या मैम? कर सकते। जहां पे क्लाइंट के हेयर ज्यादा है वहां पे, यहाँ पे आप ब्लेंड इतना नहीं कर सकते हो, नहीं तो हेयर वापस से विजिबल हो जाएंगे। पाउडर के बाद हमारा फेस ड्राई हो जाता है, उसको ग्लॉसी लुक कैसे करें? ग्लॉसी करने के लिए मैं बताऊंगी अभी आपको टेक्निक क्या करना है, पाउडर के बाद होता ही है। कॉन्टोर किया था तो नोज पे भी पाउडर लॉक करेंगे स्मॉल ब्रश एंड यहाँ पे हमने कल मैंने बताया था नोज कॉन्टोर आईज पे कॉन्टोर पार्ट सी। नोज पे मैंने कैसे किया है स्ट्रेट स्ट्रेट ब्लेंडिंग एंड राउंड ब्लेंडिंग नोज पे नहीं करनी है आपको।
RCM का पाउडर कैसा है? लूज पाउडर की प्राइस क्या है? इट्स अराउंड 4000 रुपीज लॉरा मर्सियर का। इनसाइट के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं मैम? अभी हमारा फेस अगर ड्राई हो गया है तो ये स्टेप पे आप मिस्ट यूज कर सकते हो, बट मैं पहले ब्लश ऑन करके फिर मिस्ट यूज करती हूँ। पीएसए काउंटर पाउडर चलेगा क्या? यहाँ पे हम मिस्ट यूज करेंगे। देखो अभी इनका स्किन में एक्सेस जो भी पाउडर है, पहले सबसे पहले हमारा काम होगा उसको रिमूव करना। सॉफ्ट ब्रश लो, एक्सेस पाउडर जहां पे भी है वो रिमूव कर दो। इट्स रिमूव नाउ, जस्ट कोल्ड मिस्ट। यस टाटे 22N है मैम। यस टाटे 22N है फॉर लाइट शेड, फेयर शेड एंड फॉर मीडियम इट्स 35N। ट्रेडिशनल वेल है, गोल्डनिश इफेक्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे फॉरएवर 52 सनकिस्ट हाइलाइटर यूज कर रही हूँ एंड ब्रश इज फ्रॉम ब्यूटीलिशियस 205। इसको भी एप्लीकेशन करने का एक अच्छा टेक्निक है, आपको ब्रश के ऊपर जस्ट गोल्ड मिस्ट, अगर किसी को लाइट चाहिए तो मिस्ट अप्लाई मत करो, डायरेक्टली एप्लीकेशन करो। अगर लाउड ट्रेडिशनल ब्राइड है, शाइनी इफेक्ट चाहिए तो हम ब्रश पे मिस्ट एप्लीकेशन करेंगे एंड देन विल टेक इट इन दिस। सबसे पहले यहाँ पे एक्सेस, फिर यहाँ पे हाई बोन पे, हाई चिक बोन पे लगाना है। नोज एरिया हैंड मूवमेंट यूज करो। और सिर्फ आईब्रो के पार्ट में लगाना है, बस टीजोन एरिया डाउनवर्ड। और यहाँ पे लगाया है उसको आपको अच्छे से ब्लेंड करना, अभी तक मैंने सिर्फ लगाया है, ब्लेंड नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको एज अ राउंड 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 ब्लेंड करेंगे, डाउनवर्ड खींचेंगे। टाटे का प्राइस? टाटे इज अराउंड 3000 और 2700 समथिंग। अब हम इसके ऊपर करेंगे ब्लश, सेम पैलेट है मेरे पास, सेम पैलेट से मैं लूंगी पिंक एंड हल्का सा रेड, इसको हम निकाल देंगे एक्सेस। एंड कहा था मैंने सबसे पहले हाई बॉन और फिर उसको अपने कॉन्टोर के साथ में ब्लेंड कर दो, कॉन्टोर विजिबल भी नहीं होगा और मेरा जो हाइलाइटर था इनसाइड से शाइन करेगा। सी हाइलाइट पार्ट भी कम हो गया एंड किसी को ज्यादा लाउड पसंद नहीं आता है तो ये एक टेक्निक बेस्ट है, आप ऐसे कर सकते हो या अपोजिट टेक्निक, पहले ब्लश ऑन एप्लीकेशन करो फिर जस्ट गोल्ड,
कब मिस्ट करो और उसके बाद ये हाइलाइटर एप्लीकेशन करो. तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू. अगेन द नेक्स्ट साइड. कॉन्टोर ऊपर से नीचे आए थे और ब्लश ऑन नीचे से ऊपर जाएंगे और ये लाइन यहाँ पे जो लाइन विजिबल होती है इसको आपको राउंड एंड राउंड मोशन में अच्छे तरह से. मैम ब्रश नंबर, दिस इज द ब्रश नंबर 3 फ्रॉम पीएसी सीरीज. ब्रश नंबर इज 3 फ्रॉम पीएसी सीरीज. तो आप देख सकते हो अभी इनकी शाइन. मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई मेकअप में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है अभी हमारा टू स्टेप वी आर लेफ्ट काजल. आई एम यूजिंग रिकोट काजल. इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी है. रिकोड का काजल है रिकोड RECODE रिकोड. ब्लशर पैलेट कौन सी अच्छी होती है? जस्ट गोल्ड की बहुत अच्छी है. सी यहाँ पे हमने लगा दिया है काजल. अब हम इसको लॉक करना जरूरी है, ब्लेंड करना जरूरी है. तो सबसे पहले इसको लॉकिंग और ब्लेंड करने के लिए मैं यूज करूंगी मेरा पेंसिल ब्रश. दिस इज माय पेंसिल ब्रश और हम लॉक करेंगे हमारी कार्निवल पैलेट में से ब्लैक मैट आई शेडो. रिकॉर्ड की प्राइस क्या है? क्या रिकॉर्ड रिकॉर्ड काजल 545 आई थिंक. आप प्राइस अभी मत पूछो, जिनको भी प्राइस पूछना है प्लीज पर्सनल में डीएम कर दो मुझे. स्टार्ट फ्रॉम द एंड. सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, अभी हमने जो लाइनर लगाई है उसको हमें इस तरह से ब्लेंड करनी है. फेसेस कनाडा का काजल. दिस इज द आईज ओपन सी द लाइनर. जो हमने लाइनर लगाई थी पीछे से कितना अच्छे से सिर्फ डाउनवर्ड पार्ट हल्के हाथ से हमने इसको ब्लेंड किया और यहाँ पे देखो कैसे शार्पनेस दिख रही है. तो ये टेक्निक से आपको जब आप ऐसे बड़ी ट्रेडिशनल लाइनर लगाते हो इस तरह से आप उसको मर्ज करो. पेंसिल ब्रश नंबर इट्स नंबर 10. पेंसिल ब्रश नंबर डाउनवर्ड कलर एप्लीकेशन. ऊपर हमने पर्पल लिया है, पिंक लिया है, तो हम कौन सा कलर लेंगे? पिंक ले सकते हैं या अगर इनके आउटफिट में ग्रीन है अगर आपको ग्रीन डालना है तो भी डाल सकते हो. वी आर अवॉइडिंग टू मच कलर, वी आर जस्ट टेकिंग पिंक. स्मॉल पीएसी 42 नंबर ब्रश एंड एग्जैक्टली हाफ ऑफ द सीरीज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. मैम आंसर मी प्लीज, क्या क्वेश्चन है? मैम क्रायलॉन का वेट बेस और डाइल्यूट बेस को लिक्विड करने के लिए आप मैजिक ड्रॉप यूज कर सकते हैं. फॉर दिस मॉडल वी कैन टेक शॉपर का फाउंडेशन. यस डेफिनेटली. विच शेड? आप 2 and 11 को मिक्स एंड मैच कर सकते. परफेक्ट शेड कभी नहीं आएगा, आपको ऑलवेज मिक्स एंड मैच सीखना है. तो आप कोई भी क्लाइंट को, आपके पास कितने भी अलग अलग शेड के क्लाइंट आने दो, आप उनका शेड परफेक्टली बना सकते हो. हल्का सा पर्पल शेड ले रही हूँ एट द
कॉर्नर पॉइंट कैसी लग रही है मैम। ब्लश पिंक पीच कब लगाना होगा? क्या? ब्लश पिंक पीच कब लगाना होगा? ब्लश डिपेंड्स ऑन योर क्लाइंट क्लोथ्स। वी कैन मिक्स इन शॉपरल्स फाउंडेशन मैजिक ऑयल। मैजिक ऑयल मिक्स कर सकते हैं? यस कर सकते हो। शॉपरल में मैम ऑयली फेस में भी ऑयल यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। नाइस। सो दिस इज हाउ द टुडेज लुक। ग्लिटर एप्लीकेशन नहीं होगा? देखते हैं। Here I'm using first soft spoken PAC lip liner. मैम आईब्रो हाईलाइट नहीं किया? यस करना है। यस आईब्रो डिफाइन भी अगेन करना है और आईब्रो हाईलाइट भी करूंगी। हाँ आई मेकअप सुपर्ब। नाइस मैम। थैंक यू एवरीवन। कभी भी डाउनवर्ड लगाती हो तो क्लाइंट को स्माइल करने बोलना है। इजीली आपका एप्लीकेशन भी हो जाएगा। यहाँ पे यूज कर रही हूँ शॉपरल पैलेट और शेड लेंगे बहुत ज्यादा डार्क शेड में वर्क नहीं करेंगे बिकॉज हमारी आई ऑलरेडी बहुत हैवी है तो हम एकदम लाइट शेड वर्क करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको कॉर्नर राउंड शेप क्रिएट करना है। हल्का सा मैं यहाँ पे पर्पल शेड ऐड कर रही हूँ।
थोड़ा सा कलर चेंज करने, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने मिला है आज। मोस्ट वेलकम। सी वन साइड जस्ट लिफ्ट एंड क्रिएटेड अनदर साइड दिस एंड दिस शेप। यहां से भी सेम, यहां से आपको ऊपर। This lipstick is from Chaparral's lipstick palette. It's very good. सी, अगर आपने नोटिस किया रहेगा, नीचे अभी ऊपर की लिप्स हमने इतने अच्छे से बड़े लिप्स एनहांस किए हैं, तो नीचे भी थोड़ा सा एक्सटेंड करना होगा हमें। पहले हम जो शेड है वो शेड क्रिएट करते हैं यहाँ पे इनका। कैसी लग रही है लिपस्टिक? इज इट लुकिंग नाइस? लिप शेड कैसे चूज करना है? आधा लिप्स क्लोज करना, सी हाफ लिप्स क्लोज, सी यहाँ से इनका शेप हम आधा लिप्स क्लोज करवाना है। एंड नाउ यू जस्ट लिफ्ट हर लिप्स लिटिल डाउन। लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग टिप्स, लिपस्टिक कौन सा अच्छा है, पैलेट या लिक्विड? दोनों भी अच्छा है, पैलेट ज्यादा अच्छा रहता है। वाओ, लिपस्टिक पैलेट का प्राइस शॉपर का? इतने अच्छे से मैंने इनका लिप्स भी एक्सटेंड किया, दोनों लिप्स के शेप भी प्रॉपर जैसा हमें ऊपर शेप चाहिए वैसा ही हमारा डाउन शेप हुआ है। एंड शेड देखा कितने अच्छे से हमने क्लोथ्स के साथ भी एनहांस किया, आई मेकअप के साथ भी। तो मैंने इसमें कौन सा शेड ऐसा क्रिएट किया, लाइट ब्राउन के साथ हल्का पर्पल शेड को मिक्स किया ताकि ज्यादा पर्पल भी ना लगे, ज्यादा लाइट भी ना लगे, और शेड मेरा इक्वली सेट हो गया लिप्स पे। सो दिस इज हाउ द लिप्स क्रिएटेड। एंड द लास्ट साउंड कम आ रहा है, लास्ट पार्ट वापस से हम जस्ट गोल्ड मिस्ट करेंगे फॉर लॉकिंग। इसके पहले एक काम करना है, पीएसी का मैं यूज कर रही हूँ नंबर 6 स्टूडियो कॉम्पैक्ट। ऑयली स्किन है, स्पेसिफिकली फॉर ऑयली स्किन हम यहाँ पे ब्रश में लेंगे, जस्ट टैप। कॉम्पैक्ट हमने नीचे भी लगाया हुआ है तो हम यहाँ पे भी लॉक करेंगे पाउडर से।
पॉडकास्ट जस्ट कोल्ड मिस्ट। लैशेस और आईब्रो का जो पार्ट है वो कंप्लीट कर रही है अभी। इज इट रिक्वायर्ड फॉर योर ग्लिटर, तो हम ग्लिटर एप्लीकेशन भी दिखा देते हैं। न्यूट रखना है, बहुत ज्यादा लाउड नहीं करना है, तो ये आपका सफिशियंट है। अगर थोड़ा सा क्लाइंट बहुत अभी इन है, ग्लिटर चाहिए क्लाइंट को, आई मेकअप सिंपल चाहिए बट ग्लिटर दे डिमांड, तो आप आई मेकअप को सिंपल रख के ग्लिटरी इफेक्ट ज्यादा दे सकते। फ्लैट आई शेडो ब्रश लेंगे एंड दिस इज द शेड ले रही हूँ। जिनके बड़े लिप्स होते हैं क्या उनको जरूरत नहीं है बढ़ाने की, उनको आप कट कर सकते हो। लिप्स कॉन्टोर भी होता है, आप लिप्स कॉन्टोर यूज कर सकते हो तब। ये ब्रश कौन सा है? लिपस्टिक का लिपस्टिक ब्रश इज फ्रॉम वेगा, वेगा लिपस्टिक ब्रश है। अगेन जो भी फाउंडेशन या कुछ लगा हुआ रहेगा तो लाइन क्लियर करनी है। अभी हमारा काम अभी करेंगे तो इजी है, पहले कैसे, अभी आईब्रो अगर ऊपर नीचे हुई तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट अब मेरा ऑलरेडी किया हुआ है, सिर्फ मुझे उसको अच्छे से डिफाइन करना है। जब भी ऐसे लाइंस बनी है तो हम इसको कैसे करेंगे डिफाइन, आईब्रो का ब्रश को सिर्फ ऐसे देना है, लाइन नहीं क्रिएट करनी है, एक नेचुरल ब्रो दिखानी है। सी द हाउ इट्स इफेक्ट, यहाँ पे मैं ग्लिटर ले रही हूँ फ्रॉम शॉपरिल माइक्रो ग्लिटर नंबर 9 नंबर है। आपको कैसे ग्लिटर, अब मेरा नीचे ऑलरेडी पिंक शेड था जो मिडल में हमने डाला है, तो हम उसको ही एनहांस करेंगे विद द हेल्प ऑफ टू वे जेल, पीएससी टू वे जेल। जहाँ पे मुझे एप्लीकेशन करना है प्रॉपरली मैं पहले वहां पे लगा दूंगी। सुपर मैम, आईब्रो डिफाइन में ब्राउन जेल लाइनर यूज कर सकते हैं क्या? ठीक है, अभी
लगाना है बहुत सॉफ्ट हैंडली, तो मैं यूज करूंगी स्मॉल फ्लफी ब्रश, यहाँ से लेंगे हल्के हाथ से टैप करते जाना है और एप्लीकेशन शुड बी इन योर राउंड मोशन. समर में वी कैन डू दिस टाइप. यस टू वे जेल पीएसी का है, पीएसी टू वे जेल. लास्ट स्टेप, अभी इनकी आईज छोटी है तो आपकी लैशेज भी एकदम बड़ी बड़ी नहीं होनी चाहिए, स्मॉल साइज होनी चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ग्लिटर प्राइस, ग्लिटर आई डोंट नो बट यू कैन डीएम मी, आई विल जस्ट चेक आउट एंड टेल यू. इस शेडेड इफेक्ट क्रिएट करता है ये, इट्स ग्रीन प्लस पिंक शेड. प्रेस्ड ग्लिटर कौन से कैसे होते हैं मैम? डायरेक्टली एप्लीकेशन वाले. सो आई एम यूजिंग ओवर हियर आई मैजिक L6 नंबर. आपको कैसे लैशेस लगाने हैं, इसको आपको अपलिफ्ट करना है एंड एग्जैक्टली अबव योर लैशेस, ताकि आपकी लाइनर. बहुत टाइम क्या होता है, हम ऐसे ही लगा देते हैं तो लाइनर तो बिल्कुल नहीं दिख के आती है, क्योंकि लाइनर पूरी लैशेज में जाती है और फॉल्स लैशेज और नेचुरल लैश में गैप दिख के आता है बहुत. जस्ट सी द आई. यस, आफ्टर लैश एप्लीकेशन मस्कर एप्लीकेशन दिखाएंगे. मैं ऑलवेज पहले लैशेस एप्लीकेशन करती हूँ और फिर मस्करा लगाती हूँ. Lashes always upward. इसके ऊपर आपका pen liner, क्योंकि lashes की line आपकी बिल्कुल visible नहीं होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे forever 52 की pen liner use कर रही हूँ. Wow, nice. Lash glue कौन सा अच्छा होता है? आप PAC ले सकते हो और ये हमारे पास है, ये भी बहुत अच्छा है, इकोनॉमिक रेंज में है. न्यू फैशन हेयर एक्सेसरी, ये भी बहुत अच्छा, वन स्ट्रोक लग जाता है, हिलता नहीं है. कई बार क्या एंड्स रह जाते हैं. यस, क्वेश्चन इज, हाँ, कई बार एंड्स छूट जाते हैं, निकल जाते हैं बिकॉज स्टिक नहीं होता है, तो ये बहुत अच्छा है. सी, मैंने लगाया, एंड्स एग्जैक्टली चिपक जाते हैं और जहां पे आपको प्लेस करना है वो प्रॉपरली प्लेस हो जाता है. नाउ इट्स टर्न कि हमारा जो रियल है और फॉल्स लैशेज है उसको मर्ज करना है. तो अब मैं यूज करती हूँ मस्करा. मस्करा कभी भी आपको घुमाना है, अंदर ही घुमा लो और वन स्टॉप, ऐसे अप एंड डाउन मत करो, जल्दी सूख जाएगा. तो दिस इज द बेस्ट टेक्निक फॉर लॉन्ग लास्टिंग योर मस्करा.
और मस्करा लगाने का बेस्ट टेक्निक आइज क्लोज करके लिफ्ट करो, अप करो एंड जस्ट अप्लाई. दिस इज हाउ वी कैन मर्ज बोथ लैश. लैशेस कौन से है? आई मैजिक के लैशेस है नंबर L6. नंबर L6 छोटी आईज है ना, तो L6 अगर आईज बड़ी रहती है तो L11 आप यूज कर सकते हैं. आईज ओपन हाउस मैग्नेटिक आई लैशेस. Can use beautiful accessories. Thank you. So here we complete Lash glue is from what, ma'am? New fashion accessories. और आप PAC का भी glue use कर सकते हैं. Lash glue. यहाँ पे आपको ये लगाने के वक्त ऑलवेज यूज योर यूपिन. कैसी लग रही है हमारी मॉडल? मस्करा सूख जाए तो क्या मिला? ये मिली मस्करा सूख जाए तो आप एटलीस्ट गर्म पानी में डाल के रख सकते हो, या फिर बहुत ज्यादा ड्राई हो गया फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर नया ले लीजिए. ब्राइट सुंदर लगे थे. नाइस 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 गुड. आई मेकअप इज ब्यूटीफुल. लिपस्टिक शेप प्रॉपर नहीं हुआ है क्या? क्वेश्चन मार्क. नहीं राइट है मैम. लैश नंबर इट्स L6 नंबर फ्रॉम आई मैजिक. गॉर्जियस ब्यूटीफुल वेरी नाइस मेकअप मैम. ब्यूटीफुल वेरी नाइस. थम्स अप. Very nice makeup man. Thank you. This is how our beautiful matte model is ready with बहुत अच्छा एक टेक्निक हमने सिखाया जो ऑयली स्किन के स्किन प्रिपेयर कैसे करनी है, पोर प्रॉब्लम है तो कैसे करना है, कॉन्टोर टेक्निक अलग अलग फेस पे. तो आज फर्स्ट फेस था उस पर आपको कॉन्टोर कैसे करना है वो भी सिखा. तो यही सारी टेक्निक आज हमारा डे टू था ऑनलाइन मास्टर क्लास का. उसमें आपको बहुत अच्छे से जो कल हमने थियोरी सिखाया था आज हमने प्रैक्टिकली करके दिखाया है. सो ऐसे ही अगर आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ करना है तो हमारा ऑफलाइन क्लास भी आ रहा है. 3 डेज मेकअप मास्टर क्लास ऑफलाइन विद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ऑन 16, 17, 18 एंड विद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है 19, 20, 21. 3 डेज मेकअप एंड हेयर स्टाइल मास्टर क्लास और उसकी फीस है ऑफलाइन की जस्ट एट रुपीज 15,000. सीट बुक करनी है तो सिर्फ 2 दिन बचे हैं. आप बुकिंग कर सकते हो आज भी कॉल करके. आपकी सीट एडवांस पेमेंट देके बुकिंग कर सकते हो. रजिस्ट्रेशन नंबर है 9773354947. मैं आपको हेयर का भी फुल लुक दिखा देती हूँ. जस्ट हैव अ लुक. सी
हेयर एक्सेसरी हमारी बाकी है बट हमारी हेयर स्टाइल तो डन है. जस्ट सी दी हेयर, सिर्फ हेयर एक्सेसरी प्लेस करना बचा हुआ है. दिस इज हाउ आवर ब्यूटीफुल मॉडल इज रेडी. सो थैंक यू गाइस, हम वापस से मिलेंगे लाइव में आपको, विद नेचुरल लाइट में आपको दिखाएंगे. थैंक यू गाइस. Do follow us on Instagram, Bridal Makeover by Ankita Ghosal. So thank you. Thanks Ankita ma'am. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Wow, very nice ma'am. Very 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 nice. Nice look create ma'am. Lash glue repeat. Lash glue kya tha? Fashion accessories. मैं इसका सब photos आपको yes. दे दूँगी. फोटोज आपको मिल जाएंगे सबके, सारे प्रोडक्ट के फोटोज अवेलेबल है. मस्त मेकअप झाला है मैम आमचा. सॉरी असच मेकअप हो, ब्राइडल लुकिंग गॉर्जियस. यस, न्यू फैशन हेयर एक्सेसरी नहीं दिख रहा है, मैं इसका फोटोज आपको भेज दूंगी. अगर आपको ये चाहिए तो हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, आपको मिल जाएंगे. मेकअप क्लास 7 days होता तो अच्छा होता. मेकअप क्लास 7 days, आप ऑफलाइन आ जाइए. वेरी नाइस, नाइस लुकिंग लैश ग्लो रिपीट, ब्यूटीफुल मेकअप. You can see the full look. You see the full look. Just see the full look. So this is, we are created in day one makeup masterclass, online makeup masterclass. थैंक यू. और आपके क्वेश्चंस, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ज़रूर से स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे मेंशन करना, ब्राइडल मेकओवर बाय अंकिता गोसर को मेंशन करना. मेरी मेंशन करूँगी आप सभी को. कल भी जिन लोग ने थियोरी के वीडियोस भेजे थे, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग मी वीडियोस. मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने उसका वीडियो बना के एक मुझे भेजा. लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए इसके ऊपर आपको सेम शेड का आई शेडो पाउडर लगा देना है, उससे मेकअप आपकी लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी. बिठा दो नीचे कर दे थोड़ा उसको. हाउ टू कम आउट लेंसेज फ्रॉम आई वॉल, ये मैं शॉर्ट वीडियो बना के आपको भेज दूंगी कैसे निकालना है करके. ओके, सो थैंक यू फॉर टूडेज सेशन. आज का हमारा डे वन का सेशन यहीं पर कम्प्लीट होता है. एंड कल वापस से मिलेंगे 2:00 और नेक्स्ट मॉडल के साथ में, विथ वेस्टर्न क्रिएशन के साथ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर. वापस से मिलेंगे कल. ओके, और कल पहले क्वेश्चन आंसर्स, या कल एंड में हम क्वेश्चन आंसर्स राउंड करेंगे. कोई भी क्वेरी रहेगी, कल का हाफ एन आवर हमारा क्वेश्चन आंसर्स राउंड रहेगा, तो ज्वाइन रहना. अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नोट डाउन करके कल हमें क्वेश्चन पूछ सकते हो. Thank you and see you. Bye bye. Just a screenshot. Nice makeup. Thank you, ma'am. Zoom. Okay. Okay. Thank you ma'am, welcome, bye.